प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्दावली की अवधारणा। अभी तक आप मेरे प्रयोजनमूलक हिंदी पर दो एपिसोड देख चुके होंगे, भाग एक और भाग दो, कि प्रयोजनमूलक हिंदी क्या होती है। उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्दावली की अवधारणा, कि पारिभाषिक शब्दावली क्या है, इसका क्या स्वरूप होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि प्रयोजनमूलक हिंदी क्या होती है, वह हिंदी जिसका प्रयोग हम ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्रों में करते हैं उसे कहा जाता है प्रयोजनमूलक हिंदी। जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में हम अलग प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं, व्यापार व्यवसाय वाणिज्य में अलग प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं, विज्ञान जगत में हम अलग प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं, और सामाजिक विज्ञान में उसमें हम अलग प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं तब हमको एक विशेष भाषा शैली का बोध होता है, विशेष प्रकार की शब्दावली का बोध होता है। मतलब ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्रों में हम विशेष प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करते हैं और इसे कहा जाता है पारिभाषिक शब्दावली, जिसका एक निश्चित और विशेष अर्थ निकलता है अलग अलग क्षेत्रों में, ज्ञान विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में। तो आइए आज हम देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली की अवधारणा क्या है। भाषा के प्रयोजन मूलक रूप का पारिभाषिक शब्दावली से घनिष्ठ संबंध है। भाषा का प्रयोजन मूलक रूप क्या है, जैसे प्रशासनिक हिंदी, बैंकिंग में प्रयोग की जाने वाली हिंदी, मीडिया की हिंदी, तो अलग अलग क्षेत्र में जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तब उनमें हम पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा के प्रयोजन मूलक रूप का पारिभाषिक शब्दावली से घनिष्ठ संबंध है। प्रयोजन मूलक रूप में हम प्रायः विभिन्न प्रकार की प्रयुक्तियों की चर्चा करते हैं और प्रयुक्तियों का आधार विशिष्ट शब्दावली तथा विशिष्ट वाक्य रचना को माना जा सकता है। यह विशिष्ट शब्दावली वस्तुतः पारिभाषिक शब्दावली ही है। जब हम किसी भी भाषा की प्रयुक्तियों पर चर्चा करते हैं तो प्रयुक्तियों का निर्धारण का मुख्य आधार क्या है, शब्दावली है। जैसे प्रशासनिक प्रयुक्तियां हैं तो प्रशासनिक प्रयुक्तियों के अंतर्गत हम विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, और यह विशिष्ट शब्दावली ही क्या कहलाती है, पारिभाषिक शब्दावली, जिसे हम अंग्रेजी में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं। वैसे तो पारिभाषिक शब्दावली का क्षेत्र भाषा के प्रयोजन मूलक रूप से विस्तृत है, परंतु प्रयोजन मूलक भाषा के लिए तो यह आधारभूत ही है। मतलब पारिभाषिक शब्दावली का जो विस्तार क्षेत्र है वास्तव में वह हिंदी के विभिन्न प्रयोजन मूलक जो रूप हैं उन तक फैला हुआ है, परंतु प्रयोजन मूलक रूप का मुख्य आधार क्या है, पारिभाषिक शब्दावली है। पारिभाषिकता के आधार पर शब्दों को पारिभाषिक, अर्ध पारिभाषिक तथा सामान्य शब्द के रूप में विभाजित किया जा सकता है। मतलब यदि हम शब्दों का वर्गीकरण पारिभाषिकता के आधार पर करें तो तीन प्रकार के शब्द हमें मिलते हैं। पहले होते हैं पारिभाषिक शब्द, दूसरे होते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द, और तीसरे होते हैं असामान्य शब्द। तो आइए देखते हैं, तो पारिभाषिक शब्द में क्या है, पारिभाषिक में मूल शब्द परिभाषा है। जिस शब्द की परिभाषा दी जा सके वह पारिभाषिक शब्द है। किसी भी शब्दादि के संबंध में सिद्धांत या अर्थ आदि की दृष्टि से सुनिश्चित कथन को परिभाषा कहते हैं। अतः किसी शास्त्र या विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की यदि उपयुक्त विधि से परिभाषा दी जा सके तो उसे पारिभाषिक शब्द कहा जाएगा। तो पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, वे सभी शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, जिनकी परिभाषा दी जा सके, जिसे परिभाषित किया जा सके, इसे ही कहा जाता है पारिभाषिक शब्द। जैसे प्रशासन में एक शब्द है अप्रूवल, APPROVL, अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन, तो यह एक क्या है, पारिभाषिक शब्द है APPROVL, अप्रूवल। अप्रूवल मतलब होता है अनुमोदन, तो जो अनुमोदन शब्द है क्या हो गया, पारिभाषिक शब्द हो गया। इस दृष्टि से पारिभाषिक शब्द की चर्चा करते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भारत के जाने माने भाषा वैज्ञानिक है, इनका कहना है पारिभाषिक शब्द है क्या, यह संज्ञा उस शब्द की है जो ज्ञान की किसी विशिष्ट शाखा में एक निश्चित भाव तथा अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है और जिसकी अर्थ कक्षा किसी परिभाषा द्वारा निश्चित कर दी जाती है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या है पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द उस शब्द को कहते हैं जो ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र से, किसी विषय विशेष के क्षेत्र से संबंधित होता है और जो किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ निश्चित होता है, उसकी परिभाषा निश्चित कर दी गई है। जैसे मैंने यहाँ पर अप्रूवल का उदाहरण दिया, अप्रूवल का अर्थ क्या होता है, अनुमोदन। अप्रूवल जो मैंने ऊपर शब्द लिखा है उसका अर्थ होता है अनुमोदन, अनुमोदन।
तो पारिभाषिक शब्दों के दो भेद हैं, पूर्ण पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। तो आप समझ गए होंगे, जैसे अनुमोदन शब्द है किस क्षेत्र का शब्द है, प्रशासन का क्षेत्र है, इसकी परिभाषा निश्चित है कि एक सक्षम अधिकारी के द्वारा ही किसी चीज की मंजूरी या फिर अनुमोदन दी जा सकती है। यहाँ अनुमोदन शब्द ही अप्रूवल के लिए बनाया गया है। तो अब हमने यहाँ पर देख चुका है कि पारिभाषिक शब्द दो प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर देखे हैं पारिभाषिक शब्द बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। तो आइए हम देखते हैं कि पूर्ण पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। पूर्ण पारिभाषिक शब्द वे हैं जो पारिभाषिक शब्दों की उपयुक्त परिभाषा की कसौटी पर खरे उतरते हैं, मतलब जो ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं और जिसका अर्थ निश्चित कर दिया जाता है, जिसकी परिभाषा निश्चित कर दी जाती है, जिनका किसी एक शास्त्र या विज्ञान में निश्चित अर्थ में प्रयोग होता है तथा जिनका किसी अन्य शास्त्र विज्ञान अथवा सामान्य भाषा में प्रयोग संभव नहीं होता। मतलब पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जो किसी विशेष ज्ञान विज्ञान या फिर किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं और जिस शब्द का प्रयोग सिर्फ उसी ज्ञान विज्ञान या विषय के क्षेत्र में हो सकता है, अन्य विषय क्षेत्र में उसका प्रयोग नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे काव्य शास्त्र में हम पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र में लक्षणा, काव्य शास्त्र की जो शब्दावली उसमें लक्षणा शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, व्याकरण में क्रिया विशेषण, भाषा विज्ञान में रूपिम और स्वनिम, विज्ञान में कार्बन डाइऑक्साइड, दर्शन शास्त्र में द्वैतवाद। तो ये अलग अलग विषय क्षेत्रों से संबंधित शब्दावली हैं, इनका प्रयोग सिर्फ उसी विषय के संबंध में किया जा सकता है। जैसे द्वैतवाद शब्द का प्रयोग केवल दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग केवल विज्ञान के क्षेत्र में किया जा सकता है। इन शब्दों का यदि निश्चित से भिन्न शास्त्र विज्ञान अथवा सामान्य भाषा में प्रयोग किया जाता है तो हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन शब्दों का प्रयोग यदि हम इनके विषय से हटाकर किसी अन्य विषय क्षेत्र में कर देते हैं या फिर सामान्य जनजीवन में कर देते हैं तो क्या है, लोग हंसी के पात्र बन जाते हैं, बहुत ही हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे कि इस प्रकार का प्रयोग देखिए, उदाहरण, आप स्वनिम समूहों का उचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि आप शब्दों का उचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है, हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई आप शब्दों का प्रयोग सही नहीं कर रहे। लेकिन यदि हम बोल देते हैं आप स्वनिम समूहों का उचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अब यह स्वनिम समूह का अर्थ तो होता है शब्द, लेकिन यह भाषा विज्ञान की शब्दावली का शब्द है, इसलिए हम आम बोलचाल में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे शब्दों का, ऐसे पारिभाषिक शब्द जिनका प्रयोग किसी एक विषय विशेष के क्षेत्र में किया जाता है और उस शब्द का प्रयोग किसी अन्य विषय क्षेत्र में या फिर आम बोलचाल में नहीं किया जा सकता, उसे कहा जाता है पूर्ण पारिभाषिक शब्द। अब हम देखते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द, मतलब आधे आधे पारिभाषिक हैं, आधे सामान्य हैं। अर्ध पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जो किसी शास्त्र विज्ञान आदि में प्रयुक्त होने पर तो पारिभाषिक होते हैं, परंतु सामान्य शब्दावली में प्रयुक्त होने पर उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अर्ध पारिभाषिक शब्द हैं दो प्रकार की भूमिका निभाते हैं। ये वास्तव में किसी विषय क्षेत्र से संबंधित तो होते हैं, तो जब उस विषय विशेष के संबंध में जब इनका प्रयोग किया जाता है तब उसे कहा जाता है पारिभाषिक शब्द। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हम आम जीवन में भी, आम बोलचाल की भाषा में भी कर सकते हैं, तो इन्हें कहा जाता है अर्ध पारिभाषिक, क्योंकि हम इनको पारिभाषिक शब्दों के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और आम बोलचाल में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए काव्य शास्त्र में रस, रस की अवधारणा से आप भली भांति परिचित हैं, रस जो शब्द है, उदाहरण के लिए काव्य शास्त्र में रस शब्द को लिया जा सकता है जहां इसकी परिभाषा निश्चित है। रस की परिभाषा क्या दी गई भारतीय काव्य शास्त्र में, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, मतलब विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो अब ये रस क्या है, भाषा काव्य शास्त्र का शब्द है, भारतीय काव्य शास्त्र का, लेकिन इससे भिन्न सामान्य भाषा में या संतरे मौसमी आदि से प्राप्त द्रव पदार्थ का सूचक है, मतलब जो फलों से हम जो जूस निकालते हैं, संतरा से मौसमी से या फिर अन्य फलों से जो जूस निकालते हैं हम, इसे भी हम रस कहते हैं। तो रस का प्रयोग एक पारिभाषिक शब्द के रूप में भी हम कर सकते हैं और आम बोलचाल की भाषा में भी कर सकते हैं, इसलिए रस शब्द जो है अर्ध पारिभाषिक शब्द है। इसी प्रकार के कुछ अन्य शब्द हैं, भाषा, भाषा का शब्द, भाषा शब्द का प्रयोग आम बोलचाल में भी करते हैं, भाषा विज्ञान में भी करते हैं। दावा, दावा का प्रयोग कानून के क्षेत्र में भी करते हैं, आम बोलचाल के क्षेत्र में करते हैं। दवा का प्रयोग रसायन शास्त्र के क्षेत्र में भी करते हैं, आम बोलचाल में भी करते हैं। ऋण और धन, ऋण और धन शब्द का प्रयोग हम गणित के क्षेत्र में भी करते हैं, गणित की पारिभाषिक शब्दावली है और आम बोलचाल में भी करते हैं। तो ये आप समझ गए अर्ध पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं। पारिभाषिक शब्दों को तकनीकी शब्द भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जो पारिभाषिक शब्द हैं उन्हें तकनीकी शब्द भी कहा जाता है।
तकनीकी अंग्रेजी के टेक्निकल का परिवर्तित रूप है। तकनीकी शब्द कहां से आया? टेक्निकल का हिंदी रूपांतरण है। टेक्निकल का कोशी अर्थ है ऑफ ए पर्टिकुलर आर्ट साइंस क्राफ्ट आर अबाउट आर्ट। मतलब टेक्निकल शब्द का जब हम डिक्शनरी में मीनिंग देखते हैं तो उसका अर्थ निकलता है जो किसी कला के विशेष क्षेत्र से संबंधित है, या फिर किसी विज्ञान से संबंधित है, अथवा किसी क्राफ्ट, क्राफ्ट मतलब जो हम जो ड्राइंग पेंटिंग इत्यादि जो बनाते हैं, या फिर किसी आर्ट से संबंधित है, कला से संबंधित है। तो यह पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा हमने देख लिया, समझने का प्रयास किया। रैंडम हाउस डिक्शनरी में टेक्निकल शब्द उन्हें माना गया है जो विज्ञान कला आदि विशिष्ट विषयों की अभिव्यक्ति के लिए किसी निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो रैंडम हाउस जो डिक्शनरी, उसमें क्या कहा गया है प्रशासनिक या टेक्निकल शब्दावली को, कि वे ये शब्द हैं, टेक्निकल शब्द वे शब्द हैं जो विज्ञान कला आदि विशिष्ट विषयों में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ विशिष्ट निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि टेक्निकल शब्द और पारिभाषिक शब्द में अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। अंग्रेजी की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को ही हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। तो जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं उसे अंग्रेजी में कहा जाता है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। अब पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप क्या होता है, किस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप मतलब कैसा होता है, ये देखते हैं किस टाइप के शब्दों को हम कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली। शब्द संरचना की दृष्टि से पारिभाषिक और सामान्य शब्दों में कोई अंतर नहीं होता, वो लगभग एक जैसे होते हैं। दोनों की निर्माण प्रक्रिया समान होती है। पारिभाषिक शब्दों को भी जैसे हम निर्माण करते हैं वैसे सामान्य शब्दों का भी निर्माण करते हैं, परंतु अर्थ संरचना की दृष्टि से पारिभाषिक और सामान्य शब्दों में निम्नलिखित अंतर होता है। तो दोनों के जो अर्थ लेकिन अलग अलग होते हैं। पारिभाषिक शब्दों की जो अर्थ की संरचना है, अर्थ के दृष्टिकोण से पारिभाषिक शब्द और सामान्य शब्दों में क्या क्या अंतर होते हैं वे हम यहाँ पर देखते हैं, इससे इसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। पारिभाषिक शब्द को सदैव अभिधार्थ में ही ग्रहण किया जाता है, जबकि सामान्य शब्द को आवश्यकता अनुसार अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ आदि किसी में भी ग्रहण किया जा सकता है। तीन शब्द शक्तियां होती है, पता है आपको, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा में जो हम बोलते हैं वही उसका अर्थ निकलता है, और लक्षणा और व्यंजना में जो बोलते हैं वह अर्थ नहीं निकलता बल्कि कुछ और अर्थ निकलता है। तो पारिभाषिक शब्दों का जो अर्थ होता है अभिधार्थ होता है, कि जो हम बोलते हैं वही उसका अर्थ निकलता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता। तो इसका संबंध होता है, पारिभाषिक शब्दों का संबंध अभिधा शब्द शक्ति से होता है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकल सकता। उदाहरण के लिए देखते हैं, सामान्य भाषा में गधा और उल्लू मूर्खता के सूचक हो सकते हैं, परंतु जीव विज्ञान में उन्हें विशिष्ट पशु और पक्षी ही माना जाएगा। एक उदाहरण मैंने दिया है, जैसे गधा है, कोई पशु है, हम बोलते हैं कि यह तो पूरा गधा है या तो पूरा उल्लू है। तो गधा और उल्लू जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सामान्य भाषा में क्या है, यह व्यक्ति बहुत मूर्ख है। लेकिन यदि हम कहते हैं कि जीव विज्ञान में यह गधा है या फिर यह उल्लू है, तो जीव विज्ञान के संदर्भ में यह शब्द पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, जहां पर गधा एक विशिष्ट पशु को सूचित करता है और उल्लू एक विशिष्ट पक्षी के बारे में बताता है, उसके बारे में, है ना, विशिष्ट पक्षी माना जाएगा। पारिभाषिक शब्दों का दूसरा गुण विषय सापेक्षता है। विषय सापेक्षता मतलब पारिभाषिक शब्द किसी पर्टिकुलर विषय में किसी पर्टिकुलर मीनिंग के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रत्येक पारिभाषिक शब्द का किसी न किसी शास्त्र, विज्ञान आदि से संबंध होता है, और उस विषय विशेष के संदर्भ में ही उसके विशिष्ट अर्थ को समझा जा सकता है। पारिभाषिक शब्द विषय सापेक्ष होते हैं, मतलब पारिभाषिक शब्दों का संबंध किसी विशिष्ट विषय से होता है और उस विशिष्ट विषय के अंतर्गत उनका एक निश्चित अर्थ निकलता है, विशिष्ट अर्थ निकलता है। उदाहरणार्थ, बैंकों में रेखित चेक या क्रॉस्ड चेक शब्द को लिया जा सकता है। जब बैंक में जाएंगे तो आप सुनते होंगे रेखित चेक, क्रॉस्ड चेक, इसको लिया जा सकता है। सामान्य भाषा में इसका अर्थ होगा ऐसा चेक जिस पर रेखा खींची गई है, मतलब चेक में हम ऐसे दो लाइन खींच देते हैं ऐसे। परंतु बैंक की शब्दावली में इसका अर्थ है ऐसा चेक जिस पर दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं तथा जिसको अनिवार्यतः उस व्यक्ति या संस्था के खाते में जमा करना होगा जिसके नाम वह चेक काटा गया है। जैसे आप किसी के नाम चेक काट कर दे देते हैं और उसको ऐसा क्रॉस कर देते हैं दो बार, तो इसका तात्पर्य है कि वह चेक उसी व्यक्ति के अकाउंट में अथवा उसी संस्था के अकाउंट में जमा होगा जिसके नाम से वह चेक जारी किया गया है, जिसके नाम से वह चेक काटा गया है। तीसरा, पारिभाषिक शब्दों की एक अन्य विशेषता अर्थ का सूक्ष्मीकरण है। अर्थ का सूक्ष्मीकरण मतलब इसमें ज्यादा फैलाव नहीं होता। मतलब जैसे शब्दों का एक बहुत बड़ा विस्तार होता है, किसी शब्द को बहुत बड़े क्षेत्र में हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो पारिभाषिक शब्द है वह उसको संक्षेप करता है, छोटा कर देता है।
इस संबंध में प्रोफेसर सुजय सूरज भान नाम के जो बहुत बड़े विद्वान है, इन्होंने लिखा है, पारिभाषिक शब्दों की मूल प्रवृत्ति अर्थों के सूक्ष्मीकरण की ओर होती है, जिसे हर पारिभाषिक शब्द किसी विशिष्ट या सूक्ष्म अर्थ का वाचक बन जाता है। जैसे अप्रूवल है, अप्रूवल शब्द मतलब एकदम निश्चित कर दिया गया, अप्रूवल मतलब अनुमोदन ही होगा, सैंक्शन मतलब मंजूरी ही होगी, तो यह निश्चित कर दिया गया है, मतलब इसका कोई विस्तार नहीं है, शब्द के मीनिंग में कोई विस्तार नहीं है, तो यह विशिष्ट या सूक्ष्म अर्थ का वाचक बन जाता है। तकनीकी भाषा में गूढ़ या कूट शब्द, सूत्र संकेताक्षर, रेखाचित्र, प्रतीक शब्द, गणितीय फार्मूले तथा विशिष्ट चिन्ह आदि भाषाई युक्तियां इसी सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया के परिणाम है। तो जितने भी भाषा में या फिर गणित में या विज्ञान में जो हमको संकेत दिखाई देते हैं, इसी प्रकार की युक्तियों के अथवा सूक्ष्मीकरण के प्रक्रिया के परिणाम है। जैसे हमने ये ऐसा निशान लगा दिया तो ये बड़ा है, ग्रेटर देन, ऐसा हमने निशान लगाया तो स्मॉलर है ना, स्मॉलर देन, ये मतलब इक्वल टू, और हमने ऐसा कर दिया तो इज नॉट इक्वल टू, तो इसी तरह इसको हमने सूक्ष्म कर दिया, इसमें कोई विस्तार नहीं है। तो विज्ञान शब्दार्थ को सूक्ष्मता की ओर प्रयुक्त करता है और साहित्य विस्तार की ओर। विज्ञान क्या करता है, शब्दों के अर्थ में जो विस्तार होता है उसको छोटा करता है, मतलब विज्ञान के जो शब्द है उसमें फैलाव नहीं रहेगा, निश्चित अर्थ रहता है। और साहित्य में क्या होता है, थोड़ा सा हम लिखते हैं लेकिन उसका बहुत बड़ा अर्थ निकलता है, रीड बिटवीन द लाइन्स, उसको पढ़ के हमको समझना होता है कि कवि या लेखक का क्या आशय है, लेकिन विज्ञान में आशय स्पष्ट होता है। इस दृष्टि से साहित्य और विज्ञान दोनों ही शब्दों को अभिधा से दूर लेकिन अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं। तो साहित्यिक भाषा में हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उनका संबंध किससे होता है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति से होता है, कि हम बोलते कुछ हैं और हैं, अर्थ कुछ और निकलता है। लेकिन जब वैज्ञानिक भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनका संबंध होता है अभिधा शब्द शक्ति से, जिसका केवल एक ही अर्थ निकलता है जो हम बोलते हैं। जैसे कि विज्ञान में हम पढ़ते हैं ताप, गर्मी, उष्मा और उष्णता के सामान्य अर्थों को संकुचित करके उनमें भेद करता है और उनके अर्थ लक्षणों को इन शब्दों के बीच परिपूरक वितरण में बांटता है। तो विज्ञान क्या करता है, ये जो निश्चित अर्थ में प्रयोग करता है, गर्मी अलग चीज है, ताप अलग चीज है, उष्मा अलग चीज है, उष्णता अलग चीज है, लेकिन आम बोलचाल में हमको ऐसा लगता है कि सभी से गर्मी का एहसास होता है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से इनका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि वह कोल्ड, ठंडा अतप, कूलिंग मतलब शीतन, रेफ्रिजरेशन मतलब प्रशीतन, चिलिंग मतलब द्रुत शीलन, क्वेंचिंग मतलब मध्य शीतन के बीच तकनीकी भेद बरतता है। यह वैज्ञानिक शब्दावली से जो शब्द लिए गए हैं तो प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ है। इसके विपरीत साहित्य अपनी शैलीगत आवश्यकता के लिए कई बार न केवल इनके अंतरों को नजरअंदाज करता है बल्कि शुद्ध तकनीकी शब्दों को भी उनके तकनीकी अर्थों से हटाकर बिल्कुल भिन्न या विचलित अर्थों में प्रयुक्त करता है। जैसे प्रेम का त्रिकोण, फोटो फिनिश, जेट गद, केमिस्ट्री ऑफ लव एंड हेट आदि। तो आप देख सकते हैं कि जो साहित्य की जो भाषा है उनमें जो तकनीकी शब्दों को भी अपने हिसाब से प्रयोग में लाया गया है उनका अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे प्रेम का त्रिकोण, अब त्रिकोण जो है गणित की शब्दावली से आया है ना, प्रेम का त्रिकोण जिसको हम बोलते हैं लव ट्राइंगल, जब तीन लोगों के बीच आपस में प्यार होता है जिसके कारण फिर क्राइम होता है और क्राइम पेट्रोल बनता है जिसके कारण आपने देखते होंगे सीरियल या फिर साधारण इंडिया बनता है, तो प्रेम त्रिकोण के कारण बनता है। फोटो फिनिश शब्द है जेडगत, केमिस्ट्री ऑफ लव एंड हेट आदि है। मैंने सिर्फ इनका उदाहरण बताया और यह सब कोई अच्छे सीरियल नहीं है जो आप में नैतिकता का करेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने स्वयं के विवेक का प्रयोग करें, और अभी यदि आप छात्र हैं तो इन सब सीरियल से दूर रहें। पारिभाषिक शब्द और उसके अर्थ के बीच का संबंध है ना, पारिभाषिक शब्द और उसके अर्थ के बीच का संबंध रूढ़ीकरण प्रक्रिया द्वारा स्थापित और विकसित होता है। मतलब पारिभाषिक शब्दों को जो अर्थ रूढ़ हो जाते हैं, मतलब स्थायी हो जाते हैं किसी विषय क्षेत्र में, उसका अर्थ निश्चित ही निकलता है, उसी विषय क्षेत्र में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, तो एक निश्चित अर्थ को रूढ़ अर्थ बोलते हैं। इन नई संकल्पनाओं और नवीन आविष्कारों के लिए उपयुक्त शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। जब नए नए आविष्कार होते हैं, जब भाषा का प्रचार प्रसार नए क्षेत्र में होता है, कोई नया वैज्ञानिक आविष्कार होता है, तो हमको नए शब्दों का प्रयोग, नए शब्दों का निर्माण किया जाता है उस क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए। जब कोई नई अवधारणा आती है, नई संकल्पना आती है, यह प्रक्रिया प्रचलित शब्दों में अर्थ विस्तार अथवा प्राय अर्थ संकोच द्वारा पूर्ण की जाती है या फिर नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो कई बार तो शब्दों का अर्थ विस्तार हो जाता है और कई बार क्या है, अर्थ संकोच द्वारा पूर्ण की जाती है। अर्थ संकोच मतलब क्या होता है, अर्थ संकोच जैसे स्याही शब्द है, स्याही शब्द सिर्फ पहले काले रंग की स्याही के लिए प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन आज स्याही शब्द का तात्पर्य है किसी भी कलर का हो, स्याही मतलब होता है स्याह मतलब काला, लेकिन अब स्याही मतलब होता है सिर्फ एक भी, मतलब कोई भी कलर को हम स्याही बोल देते हैं, तो यह हो गया अर्थ संकोच। तो और अर्थ विस्तार भी ऐसे कुछ होता है,
है ना, जैसे वह रंगीन मिजाज का व्यक्ति है, तो अब रंगीन शब्द का वह रंगीन कपड़ा पहना हुआ, तो रंगीन शब्द का अर्थ विस्तार हो गया, अलग अलग क्षेत्र में हम प्रयोग कर रहे हैं रंगीन शब्द का, है ना, आज मौसम बड़ा रंगीन है इस टाइप। तो या फिर नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, यह सब भाषा विज्ञान की शब्दावली है और वहां पर जाकर इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। तो मैंने संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। दोनों ही स्थितियों में इन शब्दों में जिन अर्थों का आरोप किया जाता है वह अर्थ उनमें सतत विद्यमान रहता है, वे उस तकनीकी अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जिन शब्दों में यह अर्थ सतत विद्यमान नहीं रह पाता वे कालक्रम में विलुप्त हो जाते हैं। तो मतलब जिन शब्दों का अर्थ रूढ़ हो जाता है उनका निरंतर हम प्रयोग करते हैं और निरंतर प्रयोग करने के कारण वह शब्द जीवन तो बना रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसे पारिभाषिक शब्दों का हम निर्माण कर देते हैं जो प्रचलन में नहीं आ पाता, और प्रचलन में जो शब्द नहीं आ पाता वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। जैसे मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग के लिए हिंदी शब्द है अनुवीक्षण। अब अनुवीक्षण शब्द ज्यादा प्रयोग नहीं किए लोग, अनुवीक्षण, तो उसके बारे में उसके जगह में प्रयोग करते हैं मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग है, प्रचलन में है, अनुवीक्षण शब्द खत्म होने के कगार पर है। पारिभाषिक शब्द दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। जो ऊपर बता चुका हूं, प्रायः पारिभाषिक शब्दों का सामान्य भाषा में प्रयोग नहीं होता है, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग विषय विशेष के क्षेत्र में होता है। परंतु कभी कभी कुछ ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिनका प्रयोग पूर्ण पारिभाषिक, अर्ध पारिभाषिक तथा सामान्य भाषा तीनों में होता है। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो जिसको हम पूर्ण पारिभाषिक शब्दों के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग हम अर्ध पारिभाषिक शब्दों के रूप में भी करते हैं, और जिसका प्रयोग हम सामान्य शब्दों के रूप में भी करते हैं। तो ऐसा ही एक शब्द है अंग्रेजी का स्पीकर। अंग्रेजी का जो स्पीकर शब्द है उसका तीन प्रयोग होता है। पहला है लोकसभा का अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं, तो यह हो गया पारिभाषिक शब्द। इसके बाद लाउड स्पीकर को भी हम क्या बोलते हैं, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जो मशीन हम लगाते हैं ध्वनि वर्धक यंत्र, इसको बोलते हैं अर्ध पारिभाषिक, जो हमको ध्वनि को बढ़ाकर हमको देता है। और वक्ता, और स्पीकर क्या होता है, वक्ता। कहीं पर कोई स्पीच दे रहा है, कोई बोल रहा है, तो हम बोलते हैं कि यह वक्ता है, स्पीकर है। तो इस प्रकार स्पीकर जो शब्द है वह लोकसभा स्पीकर तो पारिभाषिक हो गया, लाउड स्पीकर तो अर्ध पारिभाषिक हो गया, और वक्ता मतलब सामान्य जो स्पीकर होता है जो हमारी जिंदगी में कुछ बोलता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं। कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे होते हैं जिनके तकनीकी अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाते हैं। कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं जिनको पढ़कर हमको स्वयं ही पता चल जाता है कि किस क्षेत्र विशेष का शब्द है और इसका अर्थ क्या है। जैसे स्तनधारी, स्तनधारी जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। नेत्र विज्ञान, ये विज्ञान के क्षेत्र हैं। तापमापी विज्ञान के शब्द हैं। मनोविकार, मनोविश्लेषण का मनोविज्ञान का शब्द है। परंतु अनेक शब्दों की बाह्य संरचना से उनके अर्थ का बोध नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जब हम किसी पारिभाषिक शब्द को पढ़ते हैं तब उसके अर्थ का पता नहीं चलता, बाह्य अर्थ का, है ना। तो व्यक्तियों के नामों पर बने शब्द प्राय इसी प्रकार के होते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं पारिभाषिक शब्द जो व्यक्तियों के नामों पर आधारित होते हैं, तो इनसे इनका हमको पता नहीं चलता किस किस विषय से संबंधित हैं, ज्ञान की किस शाखा से इनका संबंध है। जैसे फारेनहाइट हो गया, रमन प्रभाव हो गया, रमन इफेक्ट आदि। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी कहलाते हैं। अपारदर्शी शब्द वे पारिभाषिक शब्द हैं जो किसी व्यक्ति के नाम इत्यादि पर आधारित होते हैं, जिनको पढ़कर हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि यह किस विषय से संबंधित है, ज्ञान विज्ञान के किस विशिष्ट शाखा से इसका संबंध है। अब हम देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली की क्या विशेषताएं होती है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण सहज कार्य नहीं है, अच्छी पारिभाषिक शब्दावली में कई विशेषताओं का होना आवश्यक माना जाता है। हिंदी पारिभाषिक शब्दावलियों के निर्माण तथा चयन आदि के समय निम्नलिखित विशेषताओं को प्रमुखता ध्यान में रखा जाता है। इसके लिए भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया है, है ना। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार का एक संगठन है, भारत सरकार की एक संस्था है जिसका काम है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण करना। तो जब वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण किया जाता है इस आयोग के द्वारा, इस कमीशन के द्वारा, तो किन बातों का ध्यान में रखा जाता है यह हम नीचे देखेंगे, और यही पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं कहलाती है। पहला है, पारिभाषिक शब्दावली में अर्थ की दृष्टि से स्पष्टता, सुबोधता एवं सुनिश्चितता होनी चाहिए। इसमें अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति का दोष नहीं होना चाहिए ताकि इससे अर्थ ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का संदेह या भ्रम ना हो। मतलब पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, सहज सरल होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए, ना तो यह बहुत ज्यादा विस्तृत होना चाहिए कि इसका फैलाव बहुत ज्यादा हो जाए, और ना यह बहुत ज्यादा संकुचित होना चाहिए कि कोई व्यक्ति इसे पढ़कर समझ ही ना सके। तो पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्द ऐसा होना चाहिए कोई जिसको पढ़ने पर इसके अर्थ ग्रहण करने में, उसको अर्थ को समझ में किसी भी प्रकार का संदेह या भ्रम ना रहे। दूसरा है,
एक शास्त्रीय विज्ञान में एक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए, दूसरे शब्दों में एक शब्द का एक शास्त्र में एक ही भाव होना चाहिए और एक भाव के लिए एक ही शब्द होना चाहिए। तो समझ सकते हैं, एक विषय में एक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए और एक अर्थ के लिए एक ही शब्द होना चाहिए। जैसे अनुमोदन का मैंने आपको उदाहरण दिया, अप्रूवल मतलब अनुमोदन, सैंक्शन मतलब मंजूरी। तो प्रशासन के क्षेत्र में इन शब्दों का अलग अलग अर्थ है, निश्चित अर्थ है। तीसरा है, पारिभाषिक शब्दों में उर्वरता का गुण होना चाहिए, उसमें उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने की क्षमता होनी चाहिए। तो पारिभाषिक शब्द ऐसे होने चाहिए कि उसके माध्यम से नए नए शब्द भी बनाए जा सके, जैसे विधि वेत्ता, विधि आयोग, विधि वैध। तो जो विधि शब्द है इसे कई प्रकार के शब्द बन रहे हैं, विधि, विधिक, वैध, विधि वेत्ता इत्यादि, तो इसमें उर्वरता का गुण है। चौथा, प्रोफेसर महेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार पारिभाषिक शब्द के दो प्रमुख गुण होते हैं। एक और जाने माने भाषा वैज्ञानिक विद्वान है, इनका कहना है पारिभाषिक शब्द के दो प्रमुख गुण होते हैं। पहला है नियतार्थता, नियतार्थता मतलब निश्चित मीनिंग, और दूसरा परस्पर अपवादिता, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस, मतलब जो दूसरे से अलग है पूरी तरह से। प्रत्येक पारिभाषिक का अर्थ नियत निश्चित होना चाहिए और एक अर्थ को व्यक्त करने वाला केवल एक ही शब्द होना चाहिए। इनका कहना है कि प्रत्येक पारिभाषिक शब्द का केवल एक ही अर्थ होना चाहिए और एक अर्थ को व्यक्त करने के लिए केवल एक ही शब्द होना चाहिए। तो जो मैं ऊपर बता चुका हूं वही बात इन्होंने कहा है कि दो एक जैसे शब्द नहीं होने चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में यह असह्य होता है कि एक शब्द के अर्थ की सीमा दूसरे शब्द की अर्थ की सीमा में प्रवेश कर जाए। तो जैसे एक पारिभाषिक शब्द का अर्थ क्या है, पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में यह असह्य होता है कि एक शब्द के अर्थ की सीमा दूसरे शब्द की अर्थ की सीमा में प्रवेश कर जाए। वैज्ञानिक भाषा से जिस परिशुद्धता की अपेक्षा होती है उसमें द्वयार्थकता के लिए अवकाश नहीं होता। इनके अर्थवृत्त सामान्य बोलचाल के शब्दों के अर्थवृत्तों की तरह एक दूसरे को काटते नहीं है। तो आम बोलचाल की भाषा में हम एक ही शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में अलग अलग जगह कर लेते हैं। जैसे वह गधा है, वह मूर्ख है, कि जानवर के लिए भी बोलेंगे कि वह गधा है, कोई गधा, वह गधा चल रहा है, कि फिर वह गधा है। लेकिन पारिभाषिक शब्दावली में क्या होता है, जो शब्द हैं वे अपने विषय क्षेत्र या अपने निश्चित एरिया में ही उनका प्रयोग किया जाता है, दूसरे क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं करते। तो जैसे ये इसका जैसे इतना क्षेत्र है एक पारिभाषिक शब्द का, तो ये दूसरे इसका अतिक्रमण नहीं करेगा, ये अपनी जगह इसका अपना अर्थ रहेगा, है ना। तो एक दूसरे को ये ऐसे अतिक्रमण नहीं करते, ऐसे ऐसे नहीं काटते। तो पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, इनका अर्थ निश्चित विषय क्षेत्र में निश्चित होता है। मतलब एक एक विषय के क्षेत्र के जो पारिभाषिक शब्द है उसका दूसरे विषय क्षेत्र में हम प्रयोग नहीं कर सकते। पांचवा, पारिभाषिक शब्द उच्चारण की दृष्टि से सरल होने चाहिए, उनमें अन्य शब्दों से भ्रम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, इसको सुनकर हमको वही अर्थ लगाना, हमको वही अर्थ ग्रहण करना चाहिए जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मतलब उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। पारिभाषिक शब्द ध्वन्यात्मक एवं आर्थिक दृष्टि से इस प्रकार के होने चाहिए कि उन्हें सरलता पूर्वक भारत की अन्य भाषाओं में भी प्रयुक्त किया जा सके। तो पारिभाषिक शब्द ऐसे होना चाहिए जिन्हें केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी उनका प्रयोग ध्वनि के रूप में अथवा अर्थ ग्रहण के दृष्टिकोण से भी अन्य भाषाओं में भी उन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उपन्यास शब्द है, उपन्यास शब्द बंगाल से आया, पश्चिम बंगाल से, लेकिन हम हिंदी भाषी लोग भी प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, अन्य भाषा भाषी भी समझ जाते हैं कि उपन्यास का अर्थ क्या है। ये मतलब एक विशेष प्रकार की साहित्यिक कृति है। पारिभाषिक शब्द का आकार यथासंभव छोटा होना चाहिए, प्रयोगता का उसे याद रखने तथा बार बार प्रयोग करने में कठिनाई न हो। जो प्रयोग करने वाले मतलब जो प्रयोगता हैं, जो प्रयोग करने वाले हैं उस पारिभाषिक शब्द का, तो उनके दृष्टिकोण से भी यह क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सहज और सरल होना चाहिए ताकि वह उसे याद कर पाए और बार बार प्रयोग करने में उसे कोई परेशानी ना हो। आठवां, पारिभाषिक शब्दों का निर्माण यथासंभव एक ही मूल शब्द से हो तो अच्छा रहता है, इससे अर्थ में निश्चयता, स्पष्टता तथा सुबोधता बनी रहती है। मतलब एक ही शब्द में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर इसका हमको प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने बताया विधि शब्द है, विधि, और विधि से क्या बन गया, विधिक, इससे बन गया वैध इत्यादि, वैधता, तो ये सब इसी से बने हैं, विधि से, है ना, वैधता। तो ये विधि, विधिक, वैधता। इसके बाद पारिभाषिक शब्द विषय वस्तु से संबद्ध संकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। जैसे यह सब विधि के क्षेत्र से संबंधित है, कानून के क्षेत्र से, तो उससे संबंधित संकल्पना के अनुरूप होना चाहिए, अवधारणा के अनुरूप होना चाहिए। तो यह सब कानूनी अवधारणा है। ऊपर जो शब्द मैंने बताया विधि, विधिक, वैध, वैधता, यह किससे संबंध है, कानून या फिर विधि के क्षेत्र से संबंधित है। तो
तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको पढ़ के हमको पता चल जाना चाहिए कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है, है ना, विषय वस्तु। जैसे कानून या विधि बोलते हैं इसको, कानून को क्या बोलते हैं, विधि भी बोलते हैं, विधि। और डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा के अनुसार सांकेतिकता भी पारिभाषिक शब्दावली में होनी चाहिए ताकि किसी भी रूप या भाव के वर्णात्मक या शब्दात्मक संकेत अर्थ ग्रहण के माध्यम से बने रहे। जैसे आविनी, आगरा विकास निगम, मतलब उसमें सांकेतिकता भी होनी चाहिए कि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिख देते हैं, एब्रिविएशन के रूप में अगर लिख देते हैं तभी उसका हम अर्थ समझ पाए। जैसे आविनी हम कहीं पर लिख रहे हैं तो उसका हमको मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि आगरा विकास निगम को संक्षेप में करते हैं आविनी। और तीन चार शब्दों में व्यक्त होने वाली संकल्पना को संक्षेपीकरण के द्वारा एक शब्द शब्द से प्रकट किया जा सकता है। मतलब कोई शब्द तीन चार शब्दों से मिलकर कोई अवधारणा या कोई संगठन बना हुआ है तो उसको संक्षेप में लिखने से हमको उसका अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे हम दक्षेस बोलते हैं तो दक्षेस मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग समिति। तो इस प्रकार हमने देखा कि पारिभाषिक शब्द क्या है, पारिभाषिक शब्द की अवधारणा क्या है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का दबाना ना भूलिए ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे। और इसका जो नोट्स है उसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का यह प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।